Good morning, my dear student. Most welcome to the online classes of SPPS. In this video for that class, use of must or shall. In active passive class, I have teach you. Step 4, 3, now we have some present tense. This kind of thing will work. So, must be from object or object. उन्हें उसे अवश्य बुलाना चाहिए। राम को एक पत्र अवश्य भेजना चाहिए। और सही आगे तो सब्जेक्ट उन्हें भी दिल दे। इसके बाद मस्त होगा, आप मस्त लगा होगा, दिल मस्त दाएं पीपल। इसके बाद फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, पुराना का होता एंड हिंदी सोचे देर नो अदर पर इट्स पैसिव रूल। इसका पैसिव रूल होगा ऑब्जेक्ट प्लस मोटर मस्त बी बल्कि था वाई सब्जेक्ट अदर वर्ड। तो दिस इज वर्ड माय नेम विल बी ऑब्जेक्ट इनका यूज आएगा। इधर मस्ट बी का की थर्ड फॉर्म कार बाय दैट नेगेटिव इंट्रोगेटिव द सेम शुड विल बी अप्लाइड नेगेटिव इंट्रोगेटिव एक्टिव पैसिव एक्टिव एंड पैसिव। जब आप दे यहां मत लगाएंगे तो हम क्या हो जाएगा, मस्ट नॉट बी हो जाएगा। तो दे मस्ट नॉट पैसे में भी हेयर ही विल राइट नोट। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम का ही मस्ट नॉट बी कार बाय दैट। इंट्रोगेटिव में इसको हम यहां लाएंगे, इसको ग्राफ मस्ट कर दिया जाएगा और आपका दे बार हो जाएगा मस्ट दे और वर्ब का ऑब्जेक्ट हिम को समाप्त। इसमें मैं भी मस्ट पहले मस्ट ही बी कार बाय दैट। सेकंड सेंटेंस एज अ होमवर्क एंड आल्सो राइट सम सेंटेंस ऑफ दिस टाइप एंड ट्राई टू सॉल्व दैम इनटू एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।